आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। 5 जुलाई का दिन है और ये वो दिन है जिस दिन हिसार बंद का जो आह्वान है व्यापारिक संगठनों के द्वारा किया गया था। दरअसल जो एक के बाद एक लगातार जो फिरौती मांगने की घटनाएं हुई उसके बाद व्यापारियों में काफी रोष था। और अगर आज हम मौके की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो चाहे वो ऑटो मार्केट हो या नागौरी गेट मार्केट हो या अन्य जो और मार्केटें हैं वो सभी की सभी जो आप ये देख रहे हैं कि सभी की सभी जो दुकानें हैं वहाँ शटर डाउन है और व्यापारी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए मौके के जो तस्वीरें हैं वो ताज़ा हालात जो है वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं होना और हिसार जैसे शहर में होना वो कहीं ना कहीं शोचनीय विषय है। आप क्या मानते हैं? पूरी वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए और यहाँ जो व्यापारियों के जो प्रतिनिधि मंडल जो है जो नेता जो है उनसे भी हम बात करेंगे आगे की क्या रणनीति होने वाली है। 12 दिन हो चुके हैं इसलिए कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बेस पर हमने जो है हिसार शहर बंद कराने का काम किया है और आज हिसार की सभी दुकानदारों को मैं धन्यवाद देता हूं जो पूरा हिसार शहर छोटे से बड़ा तक दुकानदार जो है दुकानें बंद रख करके इसमें समर्थन किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगर फिर भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और पुलिस जो है पकड़ने का काम नहीं किया तो उसके बाद हम जो है हरियाणा प्रदेश को बंद करने का निर्णय लेंगे। पुलिस का जो थाना है वो कुछ ही मीटर की दूरी पर था, क्या मानते कहां एक चूक हुई कि जो पुलिस जो आरोपियों के अभी तक नहीं पहुंच पाई है? पुलिस ऊपर प्रशासन कमजोर है। प्रशासन अगर चाहे तो हमारा जो बॉर्डर होता है उससे एक सुई भी क्रॉस नहीं कर सकती। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर ऊपर से आदेश आ जाए प्रशासन का तो शासन देर नहीं लगाता, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन ये प्रशासन लापरवाही बरत रहा है, ये हड़के में ले रहा है, ये हड़के में ना समझे। सारा व्यापारी एकजुट हो चुका है, सारा हिसार शहर एकजुट हो चुका है। इसको भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए ये निकम्मे लोगों की सरकार है, इसमें कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इनको तो डंडे मार के लोग बाहर निकालेंगे ना तब समझ में आएगी। जैसे पीछे एमपी का चुनाव था लोकसभा का, गांव में नहीं कुछ नहीं दिया इन लोगों को, इसी प्रकार अगले चुनाव में इनको बार का रास्ता दिखाओगे तब जाके पार पड़ेगी। निस्तरे गुंडे तो आज ऑटो मार्केट के व्यापारियों को मार रहे हैं, कल करोस मार्केट में मारे, परसों किसानों को मारेंगे, परसों आपको मारेंगे। ऐसे सुरक्षा नहीं दे सकती वो सरकार, क्या की सरकार है वो। हम तो निंदा करते हैं, इनको तुरंत प्रभाव से पकड़ के सलाखों पीछे ठोका जाए और जल्द से जल्द पकड़ के सजा दी जाए इनको। हम पूरे किसान यूनियन में प्रदेश अध्यक्ष हूँ किसान यूनियन का, दिलबाग सिंह हुड्डा, मैं मेरी टीम संयुक्त किसान मोर्चा सारा साथ है, व्यापारी भाइयों के साथ है, जिसके साथ जातियों उन लोगों के साथ खड़ा रहेगा, न्याय दिला के पीछे हटेंगे। ये संकेत देती है इनका जाने का समय आ गया है। ये संकेत विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये क्या करने बुद्धि जो है विपरीत हो चुकी है। यहाँ का कैबिनेट मंत्री, अरे शर्म नहीं आती आगे कब से व्यापारी बीच में आए, लोगों बीच में आए, संगठनों के आगे बात करे, सरकार बात करे। अरे इनको तो पता होता है, इनको पता होता है कौन कौन गुंडे कहाँ का पकड़े जाएंगे। इनकी सहम है निकम्मे लोगों की, इनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम निंदा करते हैं ऐसी सरकारों की। धन्यवाद सर। मेरी मजबूरी होती है, ये मूवमेंट आप लोगों के आशीर्वाद से चल रहा है। आपना हमेशा व्यापारियों का, व्यापार मंडल का, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का आपने हमेशा सहयोग की है। मैं जिंदगी भर आपका साथ नहीं भूल सकता, मगर कई मजबूरी होती है। जब मूवमेंट चल रही होती है, मैं 6 बजे से लगाया हूँ, पूरी टीम लगी हुई है। ये सारा शहर लोग कहते थे बंद नहीं होगा, लोग कहते थे झगड़ा होगा, लोग कहते क्या होगा, पुलिस वाले बोले बोला बजरंग जी क्या होगा। मैं बोला 5 तारीख को मुट्ठी बंद हिसार बंद होगा, कोई भी कील यहाँ से हिलने वाली नहीं। मैं सारे बाजार गिनाए, सारे बाजार बंद है और लोगों में बड़ी भारी नाराजगी, लूटपाट अपराधियों द्वारा प्रोत्साहित अपहरण हत्या तक की वारदात हो रही है, डेली हो रही है हरियाणा में। एक दिन में 5-5, 6-6 हत्याएं रोज हो रही है, मेरी माता बहनों की चैने तोड़ रही है। कहाँ सरकार है, कहाँ मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्री का महकमा है भाई। मुख्यमंत्री से मेरी अपील है भाई, तो रसगुल्ले खाने छोड़ दे, कंजू बदाम खाने छोड़ दे और एसी गाड़ी छोड़ के ना जनता के बीच जा। आज 12 दिन हो गए, बड़े शर्म से कहना पड़ता है, मुख्यमंत्री आज तक हाल चाल पूछ नहीं आया,
गृह मंत्री गरीब मंत्री आज तक नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? जब इलेक्शन थे तो गली गली पूछा करता, बोटड़ी दे दो, चाय पिला दो, धरती में बिठा लो, कोई गलती हो माफी दे दो, रोटड़ी खुवा दो, मैं तारा हूं तुम मेरे हो। आज ये दुश्मन नंगल आ गए, गोलियां चल गई, रोटी मांग ली। आप गृह मंत्री होए बाद भी आपने हाल चाल पूछना उचित नहीं समझा। इससे बोलता मुख्यमंत्री, मैंने मेरी जिंदगी के अंदर इतिहास के अंदर जब हरियाणा का इतिहास लिखा जाएगा, हरियाणा का सबसे बोधा मुख्यमंत्री नाम हरियाणा के मुख्यमंत्री का आएगा। क्यों? जो व्यक्ति व्यापारी की सुरक्षा ना कर सके, जो व्यक्ति आम जनता की सुरक्षा ना कर सके, जो व्यक्ति अपने पुलिस अधिकारी की सुरक्षा ना कर सके, वो क्या क्या सोचेंगे? आई सुन लो, पहले उद्यम बताया आपके सामने वो ट्रेलर था, आज आप पिक्चर, आप पूरी नहीं पूरी पिक्चर, जल्दी ही हम हरियाणा बंद की कॉल करेंगे, राज्य स्तर बैठा बुलाकर पूरी पिक्चर जब दिखाएंगे। मेरी मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है, आप पुलिस को आदेश दे और गुंडों के खिलाफ पक्की कार्रवाई करवाए, उनका पक्का इलाज करवाए और हर प्रकार की सुविधा सरकार की तरफ से पुलिस प्रशासन को दे। पुलिस के अधिकारी जो है वो भी हमारे जवान है, हमारे परिवार के मेंबर है, हमारे देश में जवान खड़ा है वो भी हमारा बेटा हमारा भाई है। तुम हमने मारने के लिए नहीं छोड़े हुए, पुलिस के जवान की रक्षा करना भी सरकार की जिम्मेवारी है और हमारा धर्म है। हम कहते हैं गुंडा का इलाज कर दो, पक्का इलाज कर दो, ताकि कोई भी अपराधी सिर उठाने की हिम्मत ना कर सके। अरे भाई 15-20 पटाखे बजा दियो, एक गुंडा पा जाए तो मन्ना पकड़ लियो। और सुन लियो, ना गुंडा रहेगा ना गुंडा गर्दी रहेगी। वो कहते हैं ना राम राज, इसको कहते हैं फिर राम राज ही रहेगा हिसार के अंदर। तो ये स्थिति है। तो बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, किसान संकट नाम दिया। किसान संकट नाम में सो कहा 5000 आदमी लेकर आते हैं, मैं आपका धन्यवाद, आपका समर्थन भी दे रहा। सारे जितने भी प्रदेश की जनता है, आम नागरिक है, किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, व्यापारी है, उद्योगपति है, सब साथ है। पर आपको एक नई बात आ दूं, पुलिस के जो हमारे भाई है अधिकारी है वो हमारे साथी है, कोई मेरा बेटा है कोई मेरा भाई है। भाई बड़ी तकलीफ होती है, वो भी तकलीफ में है। वो बजरंग जी आपने सच्चा फैसला है, इस फैसले के हम साथ हैं। हमारी मजबूरी हमारी सरकारी नौकरी है, अगर हालात ऐसे रहे तो हम नौकरी भी छोड़ सकते हैं। हमारे लिए बहन बेटी पहले है, हमारे लिए प्रदेश पहले है, हमारे लिए आम जनता पहले है। अगर पुलिस वाला का कहना यही है, अगर भाई हमारा एक भाई की हत्या कर सकते हैं पुलिस गुंडे, हमारी भी कर सकते हैं। हम आपकी रक्षा के लिए लगे हैं, खुद की रक्षा के लिए लगे हैं। उनका एक बहुत अच्छा संदेश मुझे मिला है, उन्होंने कहा बजरंग जी डरने की जरूरत नहीं, डरा वो मरा। और उन्हें एक बात कहा है, भाई आप आदेश कर देना और हमारी अगर कोई ड्यूटी हुई भाई, हमारे पास और जोर तो है नहीं, हम नौकरी छोड़ सकते हैं, बगावत नहीं कर सकते, हम अपनी नौकरी से इस्तीफा देके पब्लिक के बीच बैठने का काम करेंगे। ये पुलिस के कई अधिकारियों ने और मेरे जवानों ने मुझे कहा, मैंने नहीं भाई मसाई नौकरी मिलती है, कहाँ नौकरी है, ना नौकरी है ना हमारे वास्ते भाई शादी वास्ते लड़की है, दोनों तकलीफ आ रही है, नौकरी बिना नौकरी नहीं, सरकार नौकरी दे नहीं, युवा तकलीफ में। मैंने उनसे हाथ जोड़ा, नहीं भाई आप अपना काम करें, हमारी सुरक्षा करें, सरकार का आदेश मानने, हम भी सरकार का आदेश मानें। एक और सवाल, तो ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें और ये जो सूरत हाल जो है, ये है हिसार की सबसे बड़ी और व्यस्तम मार्केट कही जाने वाली राजगुरु मार्केट का। लेकिन अगर आप यहाँ ये देखेंगे तो सारी की सारी जो दुकानें हैं, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक जो दुकानें हैं उनके शटर डाउन है, सभी जो व्यापारी है चाहे आप उधर देखेंगे उधर दोनों तरफ की जो मार्केट है वो बिल्कुल क्लोज है। और जैसा बजरंग दास गर्ग ने कहा कि अगर आज भी अगर समाधान नहीं निकलता तो आने वाली जो कॉल है, आने वाला जो आह्वान है वो पूरे के पूरे हरियाणा बंद का किया जाएगा। आप क्या मानते हैं कि हिसार जैसे शहर में इस प्रकार 11-12 दिन जो है घटना के बीच जाने के बावजूद जो है
अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसमें आम जनता जो है कहां तक सुरक्षित अपने आप को माने, तो ये आप देख रहे हैं जो हमने सिटी फर्स्ट न्यूज के माध्यम से जो पूरी की पूरी जो हिसार की जो ताजा जो हालत हमने आप तक दिखाई, और जो व्यापारी जो लोग थे उनसे भी हमने आपकी बात करवाई। चलिए, और भी इसी प्रकार की जो और भी अपडेट्स होंगी उनके लिए आप जुड़े रहें सिटी फर्स्ट न्यूज तक, और यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह मौजूद हैं। मेरा नाम है मुकेश माही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।